नमस्कार, मैं तिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एक बड़े मार्कशीट घोटाले का खुलासा हुआ है। इसमें अधिकारियों पर पैसे लेकर छात्रों के अंक बढ़ाने का आरोप है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि बारपेटा रोड के गणेश लाल चौधरी कॉलेज के छात्र अजीजुल हक की जाली मार्कशीट से घोटाला सामने आया। असम पुलिस और सीआईडी ने संयुक्त जांच शुरू की है। अब तक 6 मामलों की पहचान हुई है और एक गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री ने अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसे घोटालों की जाँच का आश्वासन दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित मां कामाख्या मंदिर एक्सेस कॉरिडोर का निर्माण बिना आईआईटी गुवाहाटी की मंजूरी के शुरू नहीं होगा। शर्मा ने बताया कि लार्सन एंड ट्रूबो को इस परियोजना का काम सौंपा गया है और योजनाएं आईआईटी गुवाहाटी को मंजूरी के लिए भेजी गई है। अगर मंजूरी मिलती है तो 2-3 महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को जन समर्थन प्राप्त है और इसे 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना में केवल सड़क और छत शीटिंग जैसे बुनियादी निर्माण कार्य शामिल होंगे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। पहली ही बारिश में टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया और पिलर नीचे खड़ी गाड़ियों पर आ गिरी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग जख्मी हुए। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भारी बारिश के बीच छत का एक हिस्सा गिरने से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना में घायल हुए लोगों को 3-3 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। नीट पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दलों के जोरदार हंगामे के बाद शुक्रवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा बार बार आग्रह करने और चेतावनी देने के बावजूद विपक्षी दलों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही, जिसे देखते हुए सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की अगली बैठक अब 1 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी। दिसंबर 2019 से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अपने अतिरिक्त स्पेशल लर्नर सपोर्ट सेंटर के माध्यम से ट्रांसजेंडर छात्रों को सहायता प्रदान करता रहा है। साल 2021 से हर साल BAOU ने उत्कृष्ट ट्रांसजेंडर छात्रों को उसकी उपलब्धि और विश्वविद्यालय समुदाय में उसके योगदान को मान्यता देते हुए सम्मानित किया है, जिसे आगे बढ़ाते हुए BAOU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमी उपाध्याय ने ट्रांसजेंडर को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए हैं। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई हुई है। जेल से बाहर निकलने के बाद सोरेन ने वहां मौजूद अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। रिहाई के वक्त उनकी पत्नी कल्पना सोरेन रांची जेल के बाहर मौजूद थी। शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से जल मंत्री आतिशी के आवास समेत दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव हुआ। सुबह सुबह शुरू हुई बारिश ने शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया। प्रमुख सड़कें और चौराहे जलमार्ग में बदल गए और इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। दिल्ली में जगह जगह हुए जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई, जिसमें जल निकासी के लिए चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें दावा किया गया है कि जब राहुल गांधी नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे थे तब उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। ये घटना शुक्रवार 28 जून को संसद में एक गर्मागर्म सत्र के दौरान हुई, जब विपक्ष इस विवाद पर चर्चा की मांग कर रहा था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उनके पास माइक्रोफोन बंद करने के लिए कोई बटन नहीं है। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू आज शुक्रवार को फिर एक बार भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा। पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी आने का खतरा मंडरा रहा है। ये भूकंप शुक्रवार को सुबह ठीक 11:06 पर आया। भूकंप का केंद्र पेरू के अतिकीपा जिले से 8 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।
फिलहाल इस खतरनाक भूकंप के बाद पेरू में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है इसके बारे में सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एक्ट्रेस हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है। 36 साल की एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी है। उन्होंने प्राइवेसी की मांग की है और फैंस को भरोसा दिलाया है कि वो अपने परिवार के साथ इस चुनौती से पार पा लेंगी। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।